कॉलेज क्या बोलता है, भैया हमको तुम नीट से निकाल कर बच्चे दो, क्या दो, ऐसे बच्चे दो हमको, ऐसे स्टूडेंट दो हमको जो नीट पास करके आए हो, ताकि उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। कभी सुना आपने कि मेडिकल कॉलेज ने एक विज्ञापन निकाला, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एडमिशन ओपन इन नर्सरी, केजी वन केजी टू, आ जाओ। नहीं भैया, ठीक है, अभी कहा, मतलब एम्स का, मैं आप पूछो कि एम्स में नर्सरी में एडमिशन ले लिया उन्होंने कि तुमको डॉक्टर बनाएंगे। अरे बेसिक तो वर्क चाहिए पड़ेगा ना, कि तुमको थोड़ा बहुत बायोलॉजी आता हो, फिजिक्स आता हो, केमिस्ट्री आता हो, तो आई समझ उठ के तुम पढ़ ले। देखो आपको बता दो, मैं नीट का एग्जाम क्या चेक करता है आपका? आप में से कई लोग बोलते सर इतना कठिन एग्जाम क्यों? नंबर एक, वो आपका चेक करता है कैलिबर, कि तुम क्या इतना पढ़ सकते हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं आपसे, जिस दिन आप एग्जाम निकालेंगे ना, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे विथ रिस्पेक्ट टू माई सब्जेक्ट होंगे। बाकी मत सोचना कुछ गलत फहमी, गलत फहमी मत रहना कोई, ठीक है ना। किस मामले में, कि मैं यदि बायोलॉजी की बात करूं तो आई मे बी नो मोर देन यू इन बायोलॉजी, बट राइट नाउ आई फॉरगेट फिजिक्स, आई डोंट हैव नॉलेज इन केमिस्ट्री, भूल चुका हूं ऑलमोस्ट, में बहुत सारा भूल चुका हूं, मेरे काम की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे याद है, बाकी भूल गया हूं, थोड़ी बहुत काम की फिजिक्स याद है, भूल गया हूं, ठीक है, एक जमाने में था। इसका मतलब जिस दिन आप एग्जाम निकालेंगे, आपको फिजिक्स भी अच्छी आ रही होगी, आपको केमिस्ट्री भी अच्छी आती होगी, आपको बायोलॉजी भी अच्छी आती होगी, मतलब आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। आप बाद में भले ही भूल जाए, अभी तो आती है उसमें, तो इसका मतलब आपका कैलिबर, कि आप कितना इंफॉर्मेशन दिमाग में रिटेन कर सकते हैं, वो नीट ने चेक किया। परसिस्टेंस, कि लगातार साल भर कितना मेहनत किया, वो चेक किया उसने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह है आप जहां पर निर्मम है, ब्रूटल है, निर्दयी जगह है, वहां पे कोई दया नहीं करेगा आपको, कह रहे बेटा तू तो बड़ा दुखी है, परेशान है, एक काम कर बेटा तू मत पढ़ सब के, तू केवल नाकी नाक पढ़ना पूरे 5 साल तक, नाकी नाक पढ़ना और नाकी नाक का डॉक्टर बन जाना, ठीक है, कुछ मत पढ़ बॉडी में, सिर्फ पढ़ नाक की 3 हड्डी पढ़ ले, ये पढ़ ले, कार्टिलेज पढ़ ले, ये पढ़ ले, बस हो गया तेरा काम। ऐसा नहीं होता, वो तो निर्दयी कॉलेज है, वो बोलता है आपसे कि बेटा तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, सर से लेके पैर तक के जो है सब कुछ, आपके हेयर के ये टिप से लेके जो है पैर के नाखून तक सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और नहीं तो सार्वजनिक बेइज्जती होगी पेशेंट के सामने, नहीं तो जिंदगी भर कॉलेज में पास नहीं हो पा रहे, ठीक है, लटके हुए हैं, और जो लटके हुए हैं कॉलेज में पास नहीं हो पा रहे, बस केवल लिख के एक ही तरीका बचता है, छोटे मोटे लीडर बन जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर जिंदगी में। लाइफ में कई लोगों को लगता है कि हम बहुत बहुत ताकतवर आदमी बन जाएंगे कॉलेज में, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं इस तरह के जो लीडर, मैं जानता हूं एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कि मैंने जब मेडिकल कॉलेज में था तो एक मेरे 1-8 साल सीनियर थे, वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंदर थे, और वहां पर मतलब बड़े मतलब बिल्कुल गुंडागर्दी चलती थी उनकी, मेडिकल स्टूडेंट उनके एक बात बोल दी सारे स्टूडेंट एक साथ उनके हो जाया करते थे, कोई कॉलेज में कुछ नहीं बोलता था, इवन कभी कुछ बात पर डीन से विवाद हो गया तो डीन को भी उन्होंने जो है वो डांट डूट दिया, या डीन पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश भी की, डीन की हिम्मत नहीं कि इनको कॉलेज से रेस्टिगेट कर दे, इस लेवल की गुंडागर्दी उन्होंने कॉलेज में जमा रखी थी। फाइनली एक दिन आया, पास हो गए। आपको बताऊं सच्चाई में, सच्चाई ये है कि 10 साल बाद, घटना के 10 साल बाद, मैं किसी काम से जो है भोपाल के एक एरिया से निकला मैं, तो एक बिल्कुल सबर्ब वाला एक बिल्कुल एक ऐसा एरिया पे झुग्गी मुग्गी बनी हुई के, वहां गया मैं, वहां जाके मैंने देखा कि एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, और उसी के पीछे छोटा कोई डॉक्टर ने एक छोटा केबिन मार रखा है, तो मैं एक मुझे शायद वो कुछ स्ट्रेप्सिल्स या कुछ गले के लिए कुछ दवा लेनी थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ रुक के ले लेते, कार रुकी मैंने वहां जाके देखा, तो फिर जो अंदर डॉक्टर बैठा था उसने पहचाना, उसने कहा अरे कितन भाई क्या हाल चाल, मैं पहचान नहीं पाया एकदम से, फिर उन्होंने अपना नाम बताया, अच्छा फिर पहचान में आया, अच्छा तो वही डॉन टाइप के मेडिकल स्टूडेंट है, तो क्या कर रहे थे अभी, अभी कुछ नहीं आ रहा ना, अभी हमारा पूरा हुआ, हमको जो है वो हमारे इतने विवाद थे तो हमको 5-7 साल जो है पास होने में लग गया, तो हमारा 10 साल में तो MBBS हुआ, उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो अब क्या करें, तो अब जो है कहीं PG तो बस का था नहीं, तो फिर हमने अभी ये मेडिकल स्टोर खोल लिया है और बाजू में अपना दुकान ये क्लिनिक खोल लिया है, तो कुछ आते हैं पेशेंट देखते, मैंने कहा सिटी में क्यों नहीं खोला, अभी ज्यादा लोग आते हैं तो एकदम स्लम एरिया पूरा, उसने कहा नहीं यार ये पेशेंट आ जाते हैं, वहां कौन आएगा, ठीक है वहां डॉक्टर दूसरे बैठे हुए, आई कैन फील द पेन, जो बता रहे थे उनका जो दर्द है अंदर की, मतलब कि उस समय पढ़ लेना चाहिए था यार, है ना, मेहनत कर लेने के, तो वो चीज उन्होंने नहीं किया। जिंदगी तो पूरा पैकेज के समान आती है, यदि आपने जो है आपको लगता है ना कि आप अभी बहुत मजे में हैं,
यकीन मानिए रिडीम करने को बचेगा फिर दुखी दुख केवल। आज जितना कष्ट आप उठा रहे हैं ना बेटा, उठा लीजिए उसको, आखिर रिडीम करने क्या बचेगा, क्या बचेगा रिडीम करने। बचपन में कभी होता था ना कि कभी घर में पार्टी हुआ, कुछ हुआ, घर में हलवा बना, ठीक है, पोहा बना, हलवा बना, कुछ खाने को बना, ठीक है, छोटे छोटे भाई बहने, एक भाई मैंने अपना हलवा पूरा खा लिया, दूसरे ने भी खा लिया, एक भाई ने क्या किया अपना हलवा थोड़ा बचा के रखा, उसे पहले पोहा खाया गया, बाद में सबके खा चुके, अपना हलवा खा रहा आराम से, तो बाकी सब बोल रहे हमको देना थोड़ा, हमको देना थोड़ा, बोलता अच्छा तुम अपना पहला खा गए, अभी तो हम मजे कर रहे हैं, किया किया या नहीं किया बचपन में ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिंदगी में ऐसे ही है कि आप क्या शुरू में दे देते हैं उसके बाद बचता क्या है। हम सबके पास में ऐसा नहीं है कि हम सबके पास में पैकेज ही है, वो दुख मेरे पास भी है, दुख आपके पास भी, सुख मेरे पास भी, सुख आपके पास भी, पैकेज का कौन सा हिस्सा कब रिडीम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं।